संत आसाराम बापू के प्रकरण में झूठे केस में उनको इतने लंबे समय से तड़पाया जा रहा है। वस्तुतः आसाराम बापू को नहीं तड़पाया जा रहा है, धर्म जगत से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनकी आस्थाएं हैं, उस आस्था को तड़पाया जा रहा है। उस भाव को तड़पाया जा रहा है जो सनातन संस्कृति से उपज कर आती है, जो भगवान के प्रति, जो सत्य के प्रति मनुष्य को लेकर के जाती है, उस भावना को तड़पाया जा रहा है। हम सब अगर एकजुट नहीं होंगे और इस समय अगर सनातन धर्म का युवा वर्ग ये चीज़ नहीं समझेगा, तो एक एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल है पूरी संस्कृति का। एक लक्ष्मणानंद जी नहीं मरे थे, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलने वाली वो करोड़ों आवाज़ें मरी थी। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि सवाल एक व्यक्ति, एक लड़की के साथ अगर कुछ दुष्व्यवहार होता है तो सवाल एक लड़की का नहीं है, सवाल पूरे देश की नारी का है कि उसका सम्मान, उसकी सुरक्षा कहाँ है। बस ऐसे ही इस समय जो संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से या जनता के जो गुरुकुल पद्धति को तोड़ा गया उसके माध्यम से, मैं एक संत होने के नाते कहूँगी कि इस कुठाराघात को समझिए और अपनी संस्कृति और सनातनता की ऊंचाइयों को बरकरार रखते हुए धर्म परिवर्तन को रोकिए और अपने संतों के सम्मान को फिर से वापस लेकर आइए। हमारे अपने जब एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं और एक दूसरे से चीटिंग करते हैं कहीं, तो उनकी चुप्पी ये साबित करती है कहीं हम ही तो गलत नहीं हैं। चुप जब हमारा अपना कोई चुप हो जाता है या हमारा अपना कोई बुरबुरा कर बात ख़त्म करता है, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि कहीं हमारा वही गलत है। तो जब आसाराम बापू के विषय में या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विषय में जब हमारे संत आगे नहीं आए खुल के या हमारे लोग खुल के आगे नहीं आए, उसका फ़ायदा निश्चित रूप से विरोधी ताकतों ने उठाया नहीं है, बल्कि उठा रही हैं। आज भी जो हमारे अपने बड़े दिग्गज लोग हैं वो जब चुप हो जाते हैं, आसाराम बापू के विषय में नहीं बोलेंगे या उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर जो विरोधी हैं वो गंदा गंदा बोलते रहते हैं, उसको दुनिया सुनती है। जब अपने लोग जिनको अच्छा बोलना चाहिए, जिनको साथ देना चाहिए, वो लोग नहीं बोलेंगे, तो विरोधी लोग तो सर उठाएंगे ही उठाएंगे। अच्छा, हमारे में क्या है, ज्ञानी ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं कि उनको लगता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसीलिए दूसरे को सही साबित करने में चुप्पी पकड़ जाते हैं या उनको भय पकड़ जाता है। भय क्यों पकड़ जाता है? क्योंकि हजार सालों की मुगलों की गुलामी भोगी है, उस गुलामी ने रोम रोम में भय भर दिया है। शास्त्र जल गए, वेद जल गए क्या, जला दिए गए। गुरुकुल पद्धति समाप्त तो हो गई, चारों तरफ दुनिया को व्यंग करते हुए अपने आप पर देखते हैं। तो मैं बचा रहूं, कहीं ऐसा ना हो दूसरे के लपेटे में मैं भी ना आ जाऊं। इसीलिए भरी भीड़ में पुलिस वालों के सामने महाराष्ट्र में उन दो महात्माओं को घेर कर मार दिया गया। उनके लिए हम में से कोई नहीं बोला, और बोला भी तो इतनी दबी जबान में बोला कि उनको आज तक न्याय नहीं मिल सका। उस गाँव में आज तक कहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, कहाँ उन लोगों को पकड़ा गया, कहाँ उन जिन पुलिस वालों का हाथ उन महात्माओं ने पकड़ा था, उन महात्माओं को भरी भीड़ में मार दिया गया, क्या लगता है? और अब अगर खुल के नहीं बोलेंगे, अगर अब हमने किसी एक व्यक्ति के लिए जवान दबा ली, चाहे वो दो महात्माओं का केस हो, चाहे बापू का केस हो, चाहे और संतों की बात हो, अगर आज हम संतों के लिए चुप रह गए तो कल सनातन धर्मी को बहुत बुरी तरह से मरना या भागना पड़ेगा। उस समय जौहर किया था हमारे देश की स्त्रियों ने अपने आप को बचाने के लिए, अब प्रार्थना है कि एक बार फिर से अपने देश को गुलाम होने से बचा लीजिए, वरना गुलाम होने के कगार पर पहुंच गया है। जिस तरह से सनातन धर्म को चारों तरफ से घेरा गया है, ये गुलाम होने के कगार पर पहुंच गया है। अब हम एक दूसरे के लिए चुप नहीं रह सकते, अब हम ये नहीं कर सकते कि मेरे घर पर जब गाज गिरेगी तभी मैं बोलूँगा, नहीं।
कोई संत जब समाज के लिए आगे बढ़ रहा है तो पूरा समाज उस संत के साथ हो, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी।